नमस्कार दोस्तों, मैं रामकला यादव। दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, क्या हम दूध डेयरी में पूरे 12 महीना पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, लेकिन क्यों, कैसे, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करते चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, अगर हम दूध डेयरी करते हैं कमाने के जरिए ही होता है हमारे पास दूध ज्यादा मात्रा में हो, और दूध जो होता है ज्यादा मात्रा में होता कब है उसकी हम चर्चा करेंगे। 12 महीने यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है और सबसे खराब महीना कौन से माना जाता है। तो सबसे अच्छे महीने अगर बात किया जाए तो शुरुआती से, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी मार्च मतलब मार्च में जब होली आती है, होली के आने के बाद ही दूध घटने लगता है, फिर सीधा घटते चला जाएगा, फिर कब तक रहेगा, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त से बढ़ना शुरू हो जाता है दूध, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर दूध इफरात हो जाता है, फिर जो है शुरुआत हो जाए दिसंबर, दिसंबर में दूध रेल होने लगता है, गाय भैंस सबका दूध बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो यही क्या है कि हम 12 मंथ में नहीं कर सकते, हम हमेशा जो है घटा और बढ़ना, घटना बढ़ना लगा रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो यही जो है कि हम दूध डेयरी में पूरे 12 महीने नहीं कमा सकते, सब महीने अलग अलग का होता है, उसके हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। दोस्तों हमें उम्मीद है आप सुनने